तो नया नया बाल कलर करवाएं, गांव में तो हमारा सुख देखा ही नहीं जाता है। आए गलती चलनिया के नाम बढ़निया के, आए जौन कुछ हुआ है गांव में पतरकी ने करा लिया, पति पत्नी में लड़ाई हुआ है पतरकी ने करा दिया, हम काहे कराएंगे जी, हमारा खाली यही काम है। 10 साल हो गया है बिया को, आए वही पुराना पलंग में सोते होंगे, खटमल भरा होगा, काटता होगा, बीवी छनछनाएगी नहीं तो क्या करेगी बताइए, चुम्मा लेगी, आए बताइए, बदन को आराम नहीं मिलेगा तो आगे ना उगलेगा, बर्फ थोड़ी ना फेंकेगा। गुरकी, अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगी, मौनी बाबा बन के बैठी हो, कुछ कहा है क्या कोई? हमको कुछ कहने वाला कौन पैदा लिया है, चूल्हा में ना झोंक देंगे। भाई हम भी सोचे तुमको कौन कुछ बोलेगा, लेकिन ये ताजा गोभी जैसा चेहरा सूख के सुखौता काहे हो गया है, बताओगी कुछ? बड़का दुख के बाद हो गया है। हाँ हुआ गुरकी, तुम्हारे पति गुजर गए का? चुप मुझासी, कुछ भी बोल। अरे तो काहे रो रही हो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है बताओगी कुछ? अरे वो आज हम पर हाथ उठा दिए। हे भगवान, तब से हम सोच रहे थे कि ये लालिमा प्यार का है, लेकिन तुम कह रही हो कि मार का है। भैया जी को क्या हुआ है, पगला गए का कि तुम पे हाथ उठाए? पगलाते तो ठीक हो जाते हैं, ये बीपिया है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है मुझौसा। तो काहे हाई हो गया उनका आज बीपी? अरे दाल में नमक डाल के भूल गए। फिर का दोबारा से डाल दिए। वो है नमक वे माथा पे चढ़ गया होगा। नमक तो एक बहाना है, पलई से इन होने के बाद माथा में लेके बीपी बढ़ाए रहते हैं, और कोई नहीं मिला तो हमरे पे बीपी झाड़ दिए। एकदम सही कह रहे, मर्द लोग ऐसे ही होते हैं, गांव भर में घूम के गुस्सा भरते हैं कपार में, अब मेहरारू मिलती तो उन पे फोड़ देते। ए बहन मन तो करता नू सब छोड़ छाड़ के भूल भाल के कहीं हम भाग जाई, लेकिन कहाँ? बनारस था। ये भगवान, यही उम्र में सन्यास की बात कर रही हो? अब तो क्या करें, ई मरद से अच्छा गृहस्थी बसा के कि हम सन्यास ले ली। लेकिन बच्चा लोग? बच्चा ही तो पाव के बेड़ी बना है, नहीं तो क्या कर लेती हा? मैं तो कूद के कुआं में अभी ना मर जाते, अभी जा रहे हैं। अरे रुको भाई रुको, कहाँ जा रही हो? काहे मरने की बात कर रही हो? हम हैं बच्चा लोग हैं, हंसोगी? दुल्हन बन के आई थी तब तो बहुत। ए गोरकी पदर की, काम रे दुल्हन के बारे में खुसुर फुसुर कर रही हो? का चाची, ये काम है हम लोगों के। हाँ ठीक है, बैठो। हाँ बैठो। ए गोरकी का हुआ मुँह मेरे, मुँह पे कुछ की हो गया छुपा रही हो? इनका मर्द जो है ना मुहवा पे फुटबॉल खेल के गया है। हे भगवान, शुक्र है कि फुटबॉल खेला है, कबड्डी और क्रिकेट ना खेला है। आप भी ना कन्या चाची, जले पे नमक का पहाड़ रख देती हैं। इतने में जल गई, जब पलंग पर कबड्डी खेल रहे होगे ना तब तो बड़ा मजा आ रहा होगा। हे दुल्हन, क्या चीखी करके हंस रही हो? कितना बार बोले कि बाहर में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसे ही करना चाहिए चाची? हाँ हाँ, हम जैसे पाठशाला खोल के रखे हैं, जाके अपने माँ बाप से पूछो। अब आप भी तो माई बाप जैसे ही है ना? हाँ माँ बाप जैसे हैं, सगे माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप होते तो सिखा ना देते कैसे ही करा जाता है। अरे ओ दिलजली, अब बाल के खाल मत निकालो, अब जो हुआ भूल जाओ। कैसे भूल जाए चाची, जोर से मारे हैं तो। ज्यादा जोर से मारा था का? नहीं हल्के से मारे हैं। तो इतना छाव का है धर रही हो? पहली बार मारे हैं ना, इसलिए ज्यादा चोट लगा है, देखा दर्द दिल तक पहुंचा है, दिल तक। ओहो हे भगवान, अरे वो का कहते हैं वो फिल्म है ना, दिल पे मत लो यार। कैसे ना ले दिल पे, पहली बार मारे होते तो इतना दर्द ना होता हमें। सही है कह रही है, अब मार खा खा के आदत ना पड़ जाता तो दर्द नहीं होता। हाँ जैसे तुमरा हो गया ना, मार खा खा की आदत पड़ गई है। कौन कह रहा है ऐसा मुझे? ऐसा ऐसे बोल रही हो ना, जैसे तुमरा मरा दूध का धूला है, अरे सब जानते हैं। तो कहा हुआ चाची, मारते हैं तो प्यार से मना भी तो लेते हैं। हाँ एक दिन हमारी वो भी मारे थे मगर प्यार से मना लिए थे। कितनी बार समझाया ना कि घर का भेद बाहर नहीं निकाला करो। अरे बूढ़ पुरनिया कहते हैं कि मर्द मेहरारू को झगड़ा रूम में होना चाहिए, रूम में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। अरे गोरकी का करेगा तुम्हारा पति? हाँ डॉक्टर बनना चाहता था, कंपाउंडर बन गया, अब बाप को लकवा मार दिया,
और बच्चा लोग स्कूल से भाग जाता है, क्या करेगा बताओ? मरत जाता है, चिंता होती है ना, दिमाग में 100 बात रहता है, निकल जाता है गुस्सा कभी कभी, सहे के चाहिए औरत को। अच्छा हमारी शादी नहीं हुई, न पति न बच्चा, खाली नींद पड़े। अच्छा हाँ, तुम्हारा दिले जानता है कि नींद आती है कि नींद उड़ती है। इतना उम्र हो गया अभी तक दरवाजा पे कोई अगुआ नहीं आया है, और माँ बाप हाथ मल रहे हैं कि कोई आए और बेटी की डोली लेके जाए। देखो चाची, डोली उठे कि ना उठे, मगर पति का हाथ नहीं उठना चाहिए। और अगर जिस दिन हमारा पति हम पर हाथ उठा दिया ना, तो कसम दुर्गा मैया की उसी दिन हम उल्टा फेरा धर लेंगे। ए बेटी, पहले सीधा फेरा तो ले लो, फिर उल्टा फेरा लेना। अब उठ कहाँ गई, बैठो, मार के भागोगी, बैठ। जब नया नया ब्याह हुआ था ना, तो ये बहन कितना खुश थे। पति देव जब बोलते थे ना, तो लगता था मुंह में लेमन जूस लेके बोल रहे हैं। और अब बोलते हैं तो लगता करेले का जूस पी के बोल रहे हैं। इससे अच्छा तो कुंवारी थी तो अच्छा था, माँ के आंचल से खेलती थी, आंगन में दौड़ लगाते थे हम सब। ए महारानी, माँ का दूध कब का छूट गया है ना, अब दूध पीने का नहीं, दूध पिलाने का सोचो। तुमको बड़ी खीखी सूझ रहा है। हाँ चाची, जब नया नया ब्याह होता है, दुल्हन बन के आते हैं, तो सब में प्यार दिखाई देता है। उठने में प्यार, जागने में प्यार, हंसने में प्यार, रोने में प्यार, खाने में प्यार, उठने में प्यार, हर जगह बस प्यार ही प्यार, यहाँ तक कि गुस्से में भी प्यार। और जैसे जैसे मेहंदी का रंग उतरता है, कलमुआ हर जगह से प्यार भी उतर भागता है। खाना बेसवाद लगने लगता है, और पीना, पीने का मजा तो फीका हो जाता है। उठने में नादानी, बैठने में निकम्मापन, मेहंदी के साथ साथ प्यार भी साथ छोड़ देता है। अरे तुम लोगों का प्यार कम से कम मेहंदी छूटने तक तो रहा, हमको तो पता नहीं चला कि कब प्यार हुआ, अब कब प्यार खत्म हो गया। शादी करके आए ना तो 11 दिन तक कमरे में कैद रहे, अब 11 दिन बाद घर से बाहर निकले तो कहाँ गए, खलिहान। अब बूट और मसूर का ढेर देखते देखते सांझ हो गया, और का बस लौट के बुद्धू घर को आए। तुल्हेन, जब देखो तुम खिची खिची क्या करती रहती हो। आजकल तो लोग ना हनीमून पे जाते हैं, और देश का विदेशों तक जाते हैं, वो क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फिदरलैंड। हम लोग हैं घर के चार दीवारी के अंदर। अरे धरती का क्या बात करती हो, आजकल तो लोग समंदर के नीचे भी हनीमून बनाता है, और आसमान के ऊपर भी। अरे वाह, सच हो, तब तो बड़ा मजा आता होगा। हाँ दुल्हन, हर बात में बोले ना कि हर बात में नहीं बोलना चाहिए। और तुम कै गो हनीमून मनाई हो? और काजी, तुम लोग क्या एक बतवा को खींचे जा रही हो, देख नहीं रही हो कि हमारी दुल्हन भी साथ है? अगर ये सब सुन करके इसका भी मन उड़ने लगा तो। ए दुल्हन, तुम कान बंद कर लो, ये सब बात मत सुनो, रुलाई हो। घरे पे छूट गया अम्मा जी। का कनिया चाची, बहु लाई हो कि गाय, एगो घंटी हो बांधे दीजिए। चुप कर, गाय गाय होगी तू, तेरी माँ। बढ़िया ही बोलने के लिए, अभी तक तो ब्याह हुआ नहीं है, अब बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो। आप घूर फिर कर हमारे शादी पर कहाँ चले जाते हैं, जैसे लगता है जीवन में असली मकसद शादी ही होता है। एक बात बताइए कि आप लोग शादी करके बहुत खुश है का? आप घूर फिर कर हमारे शादी पर कहाँ चले जाते हैं, जैसे लगता है जीवन में असली मकसद शादी ही होता है। एक बात बताइए कि आप लोग शादी करके बहुत खुश है का? ना, तू तो जैसे दुनिया बसाएगी, नया धरती पर चांद लाएगी। अरे जैसे ना तुम्हारे जिंदगी का मकसद है कुछ और, भगवान ही जाने क्या चाहती हो। ए बहिनी, चाची एकदम सही कह रही हैं। शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। सही बात बहिनी, जब आए थे तो रानी बन के आए थे रानी, और अब नौकरानी बन गए हैं। झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, गोबर गोईठा करना, और फिर सास के पैर दबाना। बड़ा गुमान था अपने गोरे रंग पे, लगा था कि गोरा रंग पे हमारा पति लट्टू हो जाएगा, अपने इशारे पे नचाएंगे उसे। लेकिन उसे इस गोरा रंग का कदर ही न जाना, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। एकदम सही कह रही हो, औरत खाली औरत होती है, न गोरी होती है न काली होती है, खाली घर वाली होती है। जब तक ब्याह नहीं हुआ होता है तो सोने के भाव तुलती है, जैसे ही ब्याह होता है माटी बन जाती,
वो भी बंजर माटी। पिंजरे में कैद हो गए हैं बहिन, ऐसा लगता है ना पिंजरा तोड़ के बस उड़ जाएं। पंछी बनो उड़ती फिर मस्त गगन में, आजाद आदू दुनिया के चमन में। लो आ गई हमारे गांव की कुमार चिरैया, इनको भोर में देखो तो ईर घाट, सांझ में देखो तो पीर घाट। अरे चाची इसका तो मत ही पूछो, न्यूज चैनल वाले भी इससे खबर लेते हैं, पूरे गांव की खबर जो रखती है। देखो हम सबके लिए का लाए हैं, फल लाए हैं। हमको समझ में आ ही नहीं रहा था कि किसका का पसंद है, तो इतना सारा उठा लाए। जैसा नाम वैसा काम, गिच पिचिया सबके स्वाद मिलके गोबरे ना बन जाएगा जी। तो एक एक करके खाइए ना, क्यों कह कहता है कि सब एक के बार में खा जाइए। ठीक कह रही है बहुरिया, रास्ता दिखा दी, हम भी उलझे थे तो सुलझा दी। ठीक है कह रही हो, हमारी दुल्हन हम पे गई है, वो क्या कहते हैं ब्रेन एंड ब्यूटी, तुम लोग सीखो। अब बहू आप पर कैसे जाएगी, बहू तो अपने माँ बाप पर जाएगी ना। तुमको हर बात में बतकट्टी करना जरूरी है। ये बात तो ठीक है कह रहे हो चाची, बेटी तो माँ पे ही जाती है, माँ पे। हाँ बेटी माँ पे जाएगी, लेकिन बहू तो सासे पे जाएगी ना। ये तो उल्टी बात हो गई। का उल्टी बात हो गई? हाँ ये कौन है? आपकी बहू। तो हो गया फैसला। का हो गया? तुम क्या पूछी कि कौन है? बहू बोली ना, इतना बोली कि माँ की बेटी है। अरे ब्याह के बाद बहू ससुराले से जानी जाती है, फल्ला की बहू है चिल्ला की बहू है, तो बस हमारी बहू हम पे गई है। बहू हो या बेटी दोनों एक समान, करे दोनों का सम्मान। आज यही पढ़ाया गया क्या स्कूल में? ये तो कब का पढ़ लिए हैं? आज हम पढ़ के आ रहे हैं घरेलू हिंसा। अच्छा ये बताओ अगर पति हिंसा करे तो क्या करना चाहिए? घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन ये हिंसा हुआ किसके साथ है? तो उठाइए आवाज। उठाए ना आवाज कैसे? इन सबको बता के इसको आवाज उठाना कहते हैं, इसको तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमें? FIR दर्ज करवाइए, कोर्ट में मुकदमा कीजिए, महिला आयोग में जाइए, भूख हड़ताल कीजिए। चुप गया छोड़ी, बढ़िया ही कोर्ट मुकदमा करने वाली, पहली बार मारा है जी। हाँ खाना देता है ना? हाँ कपड़ा लत्ता देता है, प्यार करता है ना? हाँ तो फिर कोर्ट मुकदमा कहाँ बनता है जी? हाँ देखो घर तोड़ना है ना तो हजार बहाना है, लेकिन जिनका घर टूटा है ना उनसे पूछो, जानती हो घर टूटना क्या होता है? अरे माला जब रस्सी लेके आओ तेरे। देखो हम समझाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, देख रही हो रस्सी, रस्सी जैसा होता है, जब तक दोनों एक दूसरे में गुते हैं ना तब तक उनकी ताकत है, ये अगर टूट जाए अलग हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। सही पूछो तो जो एक जान और जिस्म वाली बात है ना, वो इसी तरह से है पति पत्नी का रिश्ता, यानी रस्सी की तरह, एक साथ गुथे रहने में ताकत है, समझी तुम लोग? घर तोड़ने का सलाह सभी देते हैं, घर बसाना सीखो। लेकिन चाची चोट दिल तक पहुंच गया है ना। उसका भी उपाय है, घर जाओ तो देखो जहाँ तुमको मारा है ना, एक बार प्यार से चूमेगा सब ठीक हो जाएगा। चाची अगर उसका चुम्मा दांत काटे जैसा लगा तो समझ लेना कि शेर भूखा है, लेकिन याद रखना शेर का शिकार करना है, शेर का शिकार होना नहीं है, समझी? Okay.